अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्लीज मैं आपके पैर छूती हूँ मालिक, मेरे पापा को बचा लो, उसके बदले में आप चुकाएंगे, मैं करूँगी मालिक। गुड़िया बनकर जो तूने ड्यूटी निभाई थी उसके पैसे तो हम पहले ही दे चुके हैं, अब इलाज के लिए जो पैसे तुझे चाहिए उसे उधार कहे या एडवांस दे तो हम देंगे, पर चुकाएगा कौन? जो पैसे तुझे मिलेंगे उसे वो स्कूल की फीस भर देगी, है ना? सही ना? स्कूल जाना पापा की जान से ज्यादा जरूरी है ना? नहीं, फैसला तेरे हाथ में, सोच ले। जल्दी से पैसे भेज दीजिए मालिक, अगर पैसे टाइम पे नहीं आए तो वही हम मार जाएंगे। पैसे भेज दीजिए। मैम, हमने इनिशियल जांच शुरू कर दी है, देखिए सर्जरी में दो तीन बटन खून भी लगेगा, आप पैसों का इंतजाम जरा जल्दी कीजिए, हरी अप प्लीज। जी स्कूल के जिन मालिक, नहीं चाहिए मुझे फीस, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए, पैसे भेज दीजिए मालिक। तेरे पापू को बचाने के लिए पैसे भेज दिए। भैया क्या हुआ? इंतजाम हुआ पैसों का? हो रहा है, बहुत देर लग। डॉक्टर, बिरजू पेशेंट के लिए मिस्टर महेंद्र शुक्ला के नाम से पैसे आ गए हॉस्पिटल अकाउंट में। चलो अच्छा हुआ इंतजाम हो गया, आप चिंता मत कीजिए, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से ही होगा, चिंता मत कीजिए। ये टैटू हमें ऐसे नहीं बनना, ये टैटू तुझे बार बार याद दिलाएगा यही तेरा सच है। चल जा, जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। मेरे पापा के पास ले चलिए मालकिन प्लीज। बेटा रानी ऐसे नहीं रोते, हमारी बात सुन, हमारी बात सुन। सॉरी बेटा, हम आपको वहां नहीं लेकर जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? वो मेरे पापू हैं, उन्हें चोट लगी है, मुझे उनके पास जाना है। आपको नहीं लेके जाना, मत लेके जाइए, हम खुद चले जाएंगे। रानी, हमने आपसे कब कहा कि हम आपको वहाँ लेकिन नहीं जाना चाहते? रानी देखो, हॉस्पिटल में जाने के लिए ना परमिशन लेनी पड़ती है, और बच्चों को वहाँ पर जाना अलाउड भी नहीं है।
आज वैसे भी परमिशन तो मिलेगी नहीं, इसीलिए नहीं जा सकती। जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा ना और वो अपने रूम में आ जाएंगे तब हम आपको लेकर जाएंगे। भैया चकुर भैया और पीयू को पता होगा कि नहीं? हम एक काम करते हैं, आपकी बुआ से फोन नंबर लेकर कॉल करते हैं, आप खुद ही बात कर लो। हाँ थैंकू मालके, थैंकू। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जे तो बहुत अच्छा काम किया तुमने सिन। हाँ काम नहीं, जे तो कारनामा किया है। इसके लिए तो मुझे वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए, कोई माने तो है। गुड़िया हार गई, गुड़िया हार गई, गुड़िया हार गई। जी तो किसी ने लव लेटर भेजा है हमें? जे तो शादी के पहले शुक्ला जी भेजते थे, हैं? अब किसने दे दिया इस उम्र में? आपका एक राज पता है मुझे। जे कौन है जो हमारा राज जानता है? किसने भेजी है जे चिट्ठी? रानी अगर पापा मर गए तो हम दोनों का क्या होगा? तू तो वहाँ महलों में रहेगी और जहाँ हम दोनों का क्या होगा? पापा को कुछ नहीं होगा, मालिक ने पैसे भेज दिए हैं, पापा का इलाज हो रहा है। मालिक ने कहा है कि कल वो मुझे भी लेके जाएंगे अस्पताल। आने के बाद फोन करूंगी आप दोनों को, हो सके तो मिलने भी बुलाऊंगी। उसके लिए कुछ लेना पड़ता है। मालकिन मेरे लिए ले रही है कल। आप दोनों चिंता मत करो, हाँ मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। आपकी रानी बदल देगी पापा के एक्सीडेंट की कहानी। नहीं रोते बेटा, ऐसे नहीं रोते, बस बस बस। हाथुर बच्चा है ना, हाँ रानी हमारी बात सुनो। मैंने उनको तो बोल दिया मालकिन, पर अब मुझे बहुत डर लग रहा है। कल तक क्या करूं मैं, क्या करूं? प्रार्थना बेटा, प्रार्थना करो। देखो डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आप दुआ करो और पूरे दिल से विश्वास से करो। हम भी करेंगे आपके साथ, कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं होगा। मेरी माँ को तो आपने बहुत दिन पहले ही अपने पास बुला लिया था ना राम जी, अब क्या मेरे पापा को भी लेके जाओगे? ये तो सोचो हम तीनों रहेंगे कैसे उनके बिना। मैं नहीं लेके जाने दूंगी अपने पापा को, आपको बता दे रही हूँ मैं। एक बार में सुनते नहीं हो ना आप, इसलिए मैं बार बार बोलूंगी, घंटे बजा बजा के बोलूंगी, और तब तक नहीं रुकूंगी जब तक आप मेरे पापा को ठीक नहीं कर देते। चलिए हरी आप जल्दी करो। नहीं तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। जब
गुड़िया रानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।